वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइविंग विद सैफ। तो आज आप देख रहे होंगे ये टीवीएस का जो है रनिंग 225 सीसी है, ये 2024 का लेटेस्ट वर्जन है और ये स्पेशल एडिशन है। तो आज इसका जो हम आपको रिव्यू करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो है इस बाइक को जो आप अच्छे से देख लीजिए कि ये कौन से कलर में है, क्योंकि ये टीवीएस का जो लिमिटेड एडिशन है ना रनिंग का, ये काफी अच्छा है और इसके बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे। क्योंकि इसका जो फीचर वगैरह हो गया या टैंक कैपेसिटी हो गया या फिर इंजन का परफॉर्मेंस हो गया, टायर साइज कौन सा है, प्राइस क्या है, उसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो चलिए इस बाइक का जो है हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका फ्रंट का हेडलाइट जो है, ये देख लीजिए, इसमें आपको जो है टी शेप दिख रहा होगा। ये जो है टीवीएस का समझ एक तरह से अपना जो है पहचान जो लोगो जो है टीवीएस टी, उसी को यहाँ पे जो है मतलब दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर और भी लाइट का जो है ये दिया गया है, असेंबली दिया गया है, जो कि आपको काफी अच्छा लाइट जो है रात में प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा कि फ्रंट में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे आपको जो दिया गया देख रहे होंगे साइड में, ये आपको जो साइड इंडिकेटर है जो कि फुल्ली एलईडी में आता है। इसमें जो है काफी अच्छा है, ये जो है एलईडी लाइट दिया गया है, अगर आप इसको जो है जलाएंगे तो काफी खूबसूरत लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे कि रॉनिन को जो इतना खूबसूरत या मार्केट में इतना पहचान क्यों मिल रही है टीवीएस का जो है, उसका आप ये भी दे सकते हैं, मीटर कंसोल जो ये काफी अच्छा दिया गया है और ये एक छोटा में दिया गया, लेकिन इसमें फीचर जो है या आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है भरपूर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ कम दिया गया, इसमें एबीएस का लाइट मोड वगैरह और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटा सा आपको टीवीएस का जो अपना लोगो आता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आपको कि यहाँ पे आपको जो है की लगाने के लिए जो फ्रंट में है यहाँ पे आपको जो है स्लॉट दिया गया है, तो यहाँ आप इस तरह से की इसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि आपका ये जो हैंडल जो है दोनों, इस पे क्या क्या आपको जो है मतलब ये दिया गया है कंट्रोल करने के लिए, क्या क्या स्विच दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको जो है पासिंग लाइट के लिए यहाँ पे हाई बीम और लो बीम के लिए यहाँ पे आपको स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पासिंग लाइट मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जो है इससे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज यहाँ पे मिल जाएगा। साइड इंडिकेटर के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट के लिए आपको स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हॉर्न मिलने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो दिख रहा है आपको क्लच लीवर, ये एडजस्टेबल है, आपको जैसे पॉसिबल हो, कहने का मतलब जितना कंफर्टेबल आप इसको बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। टीवीएस का ये जो है काफी अच्छा फीचर है और ये आपको ऐसा नहीं कि ये आपको सिर्फ क्लच में ही दिखेगा, ये आपको जो है इस वाले ब्रेक लीवर में भी आपको ये जो है एडजस्ट करने के लिए आपको दिख जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। ब्रेक हो या आप क्लच हो, ये आपको जो है अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और स्मूथली कंट्रोल कर पाएंगे। तो राइट वाला हैंडल जो है इस पर क्या क्या कंट्रोल दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो आता है इंजन किल स्विच ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पे आपको मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। यहाँ पे मोड कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा लाइट ऑन ऑफ करने के लिए या हजार लाइट कह सकते हैं, ये भी यहाँ पे फीचर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट के लिए यहाँ पे आपको जो है स्विच मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से ठीक हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है टैंक पे जो है फ्यूल भराने के लिए यहाँ पे कैप मिल जाएगा, इस पे E20 का बैजिंग मिल जाएगा और ये स्पेशल एडिशन है रनिंग 225 सीसी का, तो यहाँ पे आपको उसका भी बैजिंग आपको मिल जाएगा। और ये 225 सीसी स्पेशल एडिशन है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे तो ये आप देख लीजिए टैंक पे, यहाँ पे आपको टैंक पे अलग कलर है और यहाँ पे आपको ग्राफिक्स अच्छा दिया गया है जिसका टोन बनाया गया है, यहाँ पे रेड व्हाइट और फिर व्हाइट और उसके बाद यहाँ पे ग्रे, तो ग्रे में इस तरह का जो ये ग्राफिक्स दे दिया गया है इस बाइक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। तो ये मतलब अगर आप इसको जो है अगर ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है कि स्क्रैच वगैरह से भी बचा हुआ रहेगा और ये लुक भी जो है काफी ज्यादा इसका इनहेंस कर रहा है। चलिए यहाँ पे आप जो सीट देख रहे होंगे ये रनिंग का सीट है, आप देख सकते हैं कि ये सीट का डिजाइनिंग इतना अच्छा किया गया कि ये प्रीमियम नहीं लग के ये यूनिक लग रहा है, ये काफी यूनिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रेचिंग वगैरह, सीट का डिजाइन दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह से आपको पीछे जो बैठेंगे उनके लिए ग्रैब हैंडल पकड़ने के लिए, ताकि उसका ग्रिप बना हुआ रहे, पीछे लोग खिसक के गिरे उड़े नहीं। उसके बाद सिंपली आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पीछे भी कुछ इस तरह से इंडिकेटर दिया गया है, जो कि एलईडी में ही है, जो आपको फ्रंट में मिल रहा है वही लेफ्ट राइट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो पीछे यहाँ आपको जो है एकदम स्ट्रैप कह सकते हैं उसी तरह से एलईडी का पट्टी टाइप का बना हुआ है, लेकिन ये इस पे जो है ये लगा हुआ है शीशा लगा हुआ है या फाइबर कह सकते हैं, जो इसकी खूबसूरती को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। उसके बाद जब इसको ऑन करेंगे तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टीवीएस का जो लोगो आता है वो मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए आपको जो स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से कि आपको यहाँ पे साइलेंसर वगैरह मिल जाएगा, साइलेंसर देख लें पूरी तरह से ये आपको जो मैट ब्लैक मिलने वाला है, जो कि ये ग्रे जो है
इस पे जो है ग्लोसी फिनिश के साथ ये जो है मैट मैट ब्लैक काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे पीछे राइडर जो बैठेंगे उनके लिए यहाँ पे ये आपको जो है फुट रेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे ड्राइवर के लिए फुट रेस्ट, यहाँ पे आपको ब्रेक लेवर मिल जाएगा और ये इंजन हो गया। और इंजन पे देख रहे होंगे आपको तो यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगा टीवीएस का। और ये इंजन जो है 225 सीसी है, काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी अच्छा पावर जो है प्रोवाइड करता है, जिससे आपको क्या हुआ कि आप जो है ऊंचाई पे चढ़ाई पे भी अगर आप बाइक ड्राइव करते हैं पहाड़ वगैरह वाले इलाके लेके जाते हैं तो वहां आपको पावर की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। यहाँ पे आप साइलेंसर में देख रहे होंगे यहाँ पे कैटेलिटिक कन्वर्टर जो बोलते हैं वो भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इंजन को मड वगैरह से बचाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से कवर दे दिया गया है, जो कि आपको जो है मड वगैरह में चलाते हैं तो आपके इंजन पे कीचड़ वगैरह नहीं पड़ेगा, और कीचड़ वगैरह नहीं पड़ेगा तो कलर वगैरह खराब नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 225 सीसी का काफी हेवी इंजन है और काफी पावरफुल है। तो यहाँ पे आपको जो है इसको कूलिंग सिस्टम दिया गया है इंजन का, जिससे क्या होगा कि आप जो है लॉन्ग ड्राइव भी करेंगे बिना नॉन स्टॉप तो आपको जो है क्या है कहीं पे इंजन वगैरह पे हीटिंग वगैरह नहीं आएगा, और हीटिंग वगैरह नहीं आएगा तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको जो परफॉर्मेंस में कमी नहीं मिलने वाली है, काफी आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके बाद चलिए आप बात करते हैं तो फ्रंट में यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो है आपको हॉर्न के लिए हॉर्न मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये जो है फ्रंट का मड गार्ड बोल सकते हैं वो है, ये मेटल में है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो फ्रंट में आपको गोल्डन कलर में जो है ये जो है शॉकर आपको दोनों मिलने वाला है, जो कि अप्स एंड डाउन है। उसके बाद यहाँ आप बात करेंगे तो यहाँ पे ये बाइक जो है डुअल चैनल एबीएस है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो ये डुअल चैनल एबीएस है, स्पेशल एडिशन है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्क के लिए प्लेट जो दिया गया ये काफी ज्यादा हेवी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एबीएस का सेंसर वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्क के लिए ये सिस्टम जो आता है वो दिया गया है। और यहाँ पे आप टायर जो देख रहे हैं तो टायर तो ऑलरेडी ब्लैक आता ही है, लेकिन इसका जो है एलॉय जो है ये भी ब्लैक दे दिया गया है, जो कि इस टायर के साथ काफी अच्छा कम्बिनेशन बना रहा है और काफी खूबसूरत बना रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस ब्लैक पे एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा इन्हेंस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टीवीएस का ये तो टायर है ही, लेकिन इसका जो है टायर का साइज क्या, टायर प्रोफाइल क्या है, चलिए टायर प्रोफाइल के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 110/70/17 ये जो है टायर साइज आपको फ्रंट में मिल जाएगा। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि पीछे जो है कौन सा टायर का साइज मिलने वाला है। पीछे का टायर का प्रोफाइल जो है यहाँ पे देख लीजिए 130/70 है और ये भी जो है 17 है, ये टायर भी काफी अच्छा है और ये लिमिटेड एडिशन है, स्पेशल एडिशन है। तो टायर का जो है खूबसूरती जो है डिजाइनिंग जो है काफी अच्छा किया गया है, जो कि इस बाइक के लुक को काफी ज्यादा इन्हांस कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड बोल सकते वो है, और सबसे खूबसूरत तो इसका एलॉय जो है काफी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि काफी यूनिक डिजाइन में बनाया गया है ब्लैक के साथ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको जो है सिल्वर में जो है कुछ तरह से फिनिश वगैरह मिल जाता है, जो कि इसका लुक काफी ज्यादा एनहांस करता है। अब सिंपली यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है चैन कवर जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये ओपन चैन सिस्टम है, लेकिन इसमें इस तरह से कवर लगाया गया है कि ये जो है काफी अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ पे पीछे जो बैठेंगे उनको जो है मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, कपड़ा वगैरह इसमें नहीं फंसेगा, जो कि ये काफी यूनिक लग रहा है चैन कवर। उसके बाद यहाँ पीछे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है पीछे जो बैठेंगे उनके लिए यहाँ पे आपको जो है फुट रेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड वगैरह मिलने वाला है, और उसके बाद यहाँ आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे मेन स्टैंड मिलने वाला है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि इसमें आपको जो पीछे जो है मोनोशॉक्स मिलेगा, जो कि पीछे बैठेंगे या ड्राइव करेंगे उनके लिए काफी ज्यादा कम्फर्टेबल होता है, जो कि काफी ज्यादा हेवी है। और इसका कलर जो है ना ब्लैक के साथ व्हाइट का कम्बिनेशन जो दिया गया है, जो इसके लुक को काफी ज्यादा इन्हेंस करता है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे देख लीजिए ये सीट आपको खोलने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इसका लॉक दिया गया, यहाँ से आप की इंसर्ट करके इसको जो है आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे जो पैनल जो है इस पर रोनिन का आपको बैडिंग मिलेगा, और इसके साथ आप जो देख रहे हैं ग्राफिक्स जो है यहीं तक नहीं खत्म हुआ, यहाँ तक इसको अटैच कर दिया गया, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा इन्हांस कर रहा है। मतलब ये रोनिन जो है इसमें जो छोटा छोटा पार्ट को इतना खूबसूरत बनाया गया है कि इस बाइक का लुक जो है ना काफी अच्छा निखर के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इंजन के लिए कुछ ये पार्ट वगैरह है, यहाँ पे आपको टीवीएस का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हॉर्न आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टैंक पे जो है टीवीएस का जो अपना लोगो आता है जो पहचान है वो आपको मिल जाएगा। और इसका टैंक कैपेसिटी जो आप हम बताते हैं आपको ये 14 लीटर में आता है, और इसका माइलेज की बात करें तो ये आपको 40 के आसपास माइलेज दे देगा, अगर आप अच्छे से ड्राइव करेंगे तो आपको और भी हो सकता है कि माइलेज आपको बढ़ के मिल जाए। तो चलिए ये सब आप फीचर देख लिए हैं, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे जो है इसका जो है मीटर कंट्रोल जो है इसमें क्या क्या मतलब इन्फॉर्मेशन आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है की इंसर्ट कर लिए हैं और इसके बाद ऑन करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे आपको जो है जो स्टार्टिंग होता है वो आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें जो है बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर दिया गया और बहुत सारा फीचर भर भर के दे दिया गया है। यहाँ पे आप ABS देख रहे होंगे, तो ये जब गाड़ी जो आप ड्राइव करेंगे और स्पीड पकड़ लेगा तो यहाँ पे ABS का लाइट जो है ये मतलब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्यूल के लिए, यहाँ पे आपको जो चेक इंजन लाइट आता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड इंडिकेटर के लिए यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है गियर के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे मोड वगैरह आता है जो कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है दो मोड मिलने वाला है, एक अर्बन हो गया और यहाँ पे आप जो है एक रेन हो गया। देखिए यहाँ पे मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया, इसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कितना स्पीड चल रहा है वो मिल जाएगा, यहाँ पे RPM के लिए ये दिया गया है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको जो है ना BT कनेक्टिविटी भी आ जाती है जिसको आप ब्लूटूथ बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो है एवरेज स्पीड वगैरह आपको मिल जाएगा और यहाँ पे फ्यूल के लिए यहाँ पे ये इंडिकेटर मिल जाएगा और यहाँ पे RPM तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये छोटा सा है लेकिन इसमें जो है ना काफ़ी यूनिक जो है फीचर दिया गया है और हर एक फीचर जो है आपको काफी ज्यादा काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका प्राइस वगैरह क्या पड़ने वाला है। तो इसका आपको जो है TVS Ronin का जो स्पेशल एडिशन है इसका प्राइस जो है आपको 172,800 के आसपास पड़ेगा। और आप जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस अलग अलग मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका लोकेशन कहाँ पे आप बता दीजिए। मधुबनी मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने में है, कैटोला चौक। चलिए ये मधुबनी जो है मधुबनी मेडिकल कॉलेज है उसके ठीक अपोजिट साइड में आपको जो ये TVS का मधुबनी TVS के नाम से यहाँ पे आपको है शोरूम है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे किसी और अच्छे धमाकेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।